अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो में आए वेलकम ऑल ऑफ यू। दोस्तों आज की ये वीडियो होने वाली है जेएनयू के एमएससी इन मॉलिक्यूलर मेडिसिन प्रोग्राम के बारे में। दोस्तों मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, इस कोर्स की सारी डिटेल दूंगा आपको, क्योंकि आपको एडमिशन में बहुत हेल्प करने वाली है। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो जरूर आपको इस कोर्स पर इंटरेस्ट है। जब भी आप यहाँ पर मेरा जो थंबनेल होगा उसको देख के जरूर आप आए होंगे, तो इसको बिल्कुल स्किप मत करिएगा। 3 मिनट में आपको लूंगा जहां पर आपको सारी डिटेल मिलने वाली है। दोस्तों एक अच्छा कोर्स लग रहा है, ये आपको हर जगह नहीं मिलता है। मैं जेएमआई पे, ईएमयू पे, काफी एमएससी पे मैंने वीडियो की है, लेकिन वहां पर ये कोर्स नहीं है। तो ये एक कोर्स है जो कि आपका जेएनयू स्पेसिफिक कोर्स है, तो जरूर आप इस वीडियो को देखें और इस कोर्स पे भी जरूर आप ध्यान दीजिएगा। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज कर ले, बेल आइकॉन को भी दबा दीजिएगा ताकि आप तक मेरी वीडियो के सारे अपडेट्स टाइम पर पहुंचते रहे। दोस्तों बात करते हैं अब इस कोर्स के बारे में, एमएससी इन मॉलिक्यूलर मेडिसिन। दोस्तों सबसे पहले नंबर ऑफ सीट दोस्तों यहाँ पर जो है बहुत ही कम है, सिर्फ 10 सीट्स आपको यहाँ पर मिलती हैं, जो कि जेएनयू ने पहले ही उनको अलग अलग कैटेगरी के पार्ट दिया है। ये भी जेएनयू का पार्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। तो अगर आप एक कैंडिडेट जनरल हैं तो आपके लिए 4 सीट्स हैं, एससी के लिए 1 सीट है, एसटी के लिए भी 1 सीट है, पीडब्ल्यूडी के लिए भी 1 सीट है, ओबीसी के लिए 3 सीट्स हैं एंड ईडब्ल्यूएस के लिए भी सिर्फ 1 ही सीट है। तो सीट यहाँ पर बहुत ज्यादा कम है एंड कॉम्पिटिशन जो है बहुत टफ यहाँ पर होने जा रहा है। उससे बात करते हैं इस कोर्स से क्वालिफाई एग्जाम के बारे में, मतलब कौन कौन जेएनयू में इस कोर्स के लिए एलिजिबल है। दोस्तों यहाँ पर ये कोर्स जो है सभी के लिए बिल्कुल ओपन है, मतलब अगर आपने बीएससी किसी भी ब्रांच में किया है, मतलब बैचलर डिग्री आपने किसी भी ब्रांच में की हुई है, और बेसिक और अप्लाइड साइंसेज किसी भी ब्रांच में है, कोई मतलब नहीं है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपके एमबीबीएस है, आपके बीबीएससी मतलब बैचलर इन वेटरनरी साइंसेज, या आपने बी फार्मा किया हुआ है, 55% मार्क्स अगर आपके एग्रीगेट हैं तो आप इस कोर्स के लिए जेएनयू में टोटली एलिजिबल हैं। तो बात करते हैं इसका जो टेस्ट किस तरह का होगा, सिलेबस दोस्तों किस तरह से आएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ दोस्तों इसका जो पेपर होगा वो आपका जेएनयू ई होगा, जहाँ पर आपका सीबीटी होगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। 100 मार्क्स ऑलमोस्ट टेस्ट आपका होने वाला है। यहाँ पर जेएनयू में जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो उसका सिलेबस देख लें आप, मैं आपको पूरा सिलेबस तो काफी लंबा है इसका, मैं आपको थोड़ा सा उसकी हिंट दे दूंगा। बाकी जो सिलेबस आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, मैं वहां पर इसको अपलोड कर दूंगा। दोस्तों 2 पार्ट का ये सिलेबस है, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए में दोस्तों जो है आपकी बेसिक मैथमेटिक्स है, 10th लेवल की ज्योमेट्री आएगी। दोस्तों यहाँ पर आपको स्टेटिस्टिक्स आएगी, अरिथमेटिक आएगी, लॉग आएगा, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर साइंस आएगी। उसके अलावा केमिस्ट्री भी आएगी यहाँ पर, मतलब आपका जो है मतलब मोलैरिटी है, नॉर्मैलिटी है, पीरियोडिक टेबल है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, सिंथेसिस है, थर्मोडायनामिक्स है, यहाँ सवाल आपको उसमें आएंगे। फिजिक्स से आपको न्यूटन्स लॉ आएगा, रेडियो एक्टिविटी है, सवाल आपको आएंगे, आपका कैपेसिटेंस सवाल आएंगे, ऑप्टिक्स सवाल आएंगे, साउंड, ग्रेविटी, स्पेक्ट्रोस्कोपी, यहाँ से आपको सवाल मिलने वाला है। तो उसके बाद बेसिक बायोलॉजी भी यहाँ से आपको आएगी, यहाँ पर आपको जूलॉजी, बॉटनी से सवाल आपको मिलने वाले हैं। तो उसके बाद आपका जनरल एप्टीट्यूड और रीजनिंग भी यहाँ पर आपको सवाल मिलने वाले हैं, और यहाँ पर आपको जीके से भी सवाल मिलेंगे। मतलब पार्ट बी सवाल आपको मिलेंगे वो आपके बायोकेमिस्ट्री आएगी, माइक्रोबायोलॉजी आएगी, फिजियोलॉजी आएगी, बॉटनी आएगी दोस्तों, एडवांस केमिस्ट्री सवाल आपको यहाँ मिलने वाले हैं, मेडिसिनल केमिस्ट्री सवाल आपको मिलने वाले हैं, सेल बायोलॉजी, ड्रग रेजिस्टेंस, इम्यूनोलॉजी, एप्टीट्यूड, बायो इन्फॉर्मेटिक्स। तो यहाँ दोस्तों ये पूरा आपका सिलेबस हुआ, मैंने आपको बिल्कुल मेन बताया, बाकी जैसे मैंने आपको बताया टेलीग्राम में पूरा आपको मिल जाएगा। दोस्तों बात करते हैं अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो यहाँ पर आपको कितनी फीस पे करना होगा। दोस्तों जेएनयू सबसे सस्ती सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, बेस्ट फैसिलिटी आपको मिल जाती है। यहाँ पर आपको स्पोर्ट्स के लिए लगभग 350 रुपए ईयरली फीस पे करना होगी फॉर योर एमएससी और 1 ईयर की 350 लगभग आपको फीस पे करना होगी। दोस्तों ये मैंने आपको बताया एमएससी इन मॉलिक्यूलर मेडिसिन, जो कि एक नया कोर्स है, आपको हर जगह नहीं मिलता है, तो जरूर आपको इस कोर्स को भी एक बार ध्यान में रखना चाहिए एमएससी करने के लिए। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।